हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो मैंने ये रूम लिया है स्टूडियो खोलने के लिए, तो चलिए आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। आज का पूरा ये रूम दिखाऊंगा आपको, स्टूडियो खोलना है इसमें, और 5 दिन के अंदर ये ओपन हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ क्या रहेगा, कैसे क्या सिस्टम रहेगा, सब आप लोग को दिखाते हैं। ये यहाँ पर रूम है, और ये पहले बिल्डिंग आप लोगों को दिखा दूँ। देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में यहाँ पे रूम है। ये मढ़ौरा में है, छपरा सारण मढ़ौरा। और ये देखिए, ये मेन रोड है, छपरा मढ़ौरा मेन रोड। ये छपरा से मढ़ौरा का जो मेन रोड है वो है। और ये एग्जैक्ट अगर लोकेशन बताऊँ तो ये सिंहगंज और सिलौड़ी के बीच में पड़ता है। तो ये रहा बिल्डिंग, और चलिए आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। ये मेरी बाइक लगी हुई है यहाँ पे, और देख सकते हैं टेबल। स्टार्टिंग में पहले इसका लंबाई आपको बता दूं कि 25 फीट लंबा है रूम, और इसका जो लंबाई है ऐसे करके यहाँ से पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक जो लंबाई है वो है 25 फीट, और इसका जो चौड़ाई है इधर से चौड़ाई है 8.5 फीट। और देख सकते हैं इसमें शीशा लगवाना है, और ये वायरिंग पहले से किया हुआ है, पर्दा वर्दा लगाया हुआ है, और टेबल भी है। एक पहले इसमें ऑफिस था किस चीज़ का, और उन्होंने छोड़ दिया है तो हमने ये रूम लिया है। देखिए वायरिंग किया हुआ है, और ये टेबल है, एक टेबल है दो, और एक उधर अंदर है, और जितना इसमें सामान दिख रहा है आपको वायरिंग वगैरह। और ये जो है होम थिएटर है, तीन है। ये मेरा है खुद का, मसरक में एक दुकान था तो वहाँ पे बच गया था ये, वहाँ का दुकान बंद हो गया तो यहाँ पे ला कर रख दिया हूँ। किसी को दे देना है, दुकान वाले को होल सेल रेट में दे देना है इसको। और ये मैं सेल नहीं करने वाला हूँ, वैसे ही रखा है अभी जब तक दुकान क्लियर नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं ये पलाई खरीद के मैंने रखा है। इसमें केबिन वो चेंजिंग रूम बनाना है, चूँकि स्टूडियो है तो चेंजिंग रूम चाहिए एक, तो भले उसकी ज़रूरत ना पड़े लेकिन फिर भी चाहिए फॉर्मेलिटी के लिए, तो इसको चेंजिंग रूम बनाना है। और थोड़ा बहुत रेख भी ठोकवाना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे पलाई रखा हुआ है, ये उसी दुकान में का है, उखाड़ के लाए हैं, और दीवार पर कहीं कहीं ठोक के इसको डेकोरेट थोड़ा सा करना है अच्छे से। और स्टिकर वगैरह देख सकते हैं, कलर भी अच्छा है, पुट्टी किया हुआ है। वहाँ पर रेख है कुछ सामान वामान रखने के लिए, और इसमें स्टिकर वगैरह लगाऊंगा, और ये रेख लगाऊंगा इसको। और ये मैंने एक होम थिएटर निकाल रखा है गाना बजाने के लिए। ये पर्दा भी लगाया हुआ है, देख सकते हैं ये। और इधर वहाँ पर घड़ी भी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी होम थिएटर बल्ब वगैरह रखा हुआ है। इसमें इस सबको बेच देना है, दुकान वाले को दे दूँगा, होल सेल रेट में दे दूँगा। और देख सकते हैं ये पोर्टेबल है, चेयर है, सबका पैसा देके मैंने ले लिया है पूरा, मतलब पूरा सब सामान सही थी इसको ले लिया मैंने रूम। तो वो घड़ी लगी हुई है, घड़ी को यहाँ से हटा के उधर शिफ्ट करना है आगे। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे केबिन होगा हमारा, यहाँ पे केबिन होगा, और केबिन के इधर स्टूडियो हो जाएगा पीछे, और आगे ऑफिस होगा जाएगा। यहाँ पर आगे ऑफिस रहेगा और पीछे स्टूडियो रहेगा जिसमें फ़ोटोशूट होगा। तो आपको दिखा दूँगी, देखिए अभी कबाड़ जैसा हुआ पड़ा है पूरा, देख सकते हैं। और ये देखिए पंखा लगा हुआ है, ये चेयर है, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ ऊपर। तो मेरा रूम लेने का सबसे पहला एम था कि मुझे एक रूम चाहिए था लोकल में ही, जहाँ पे मैं बैठ के अपना यूट्यूब के लिए वीडियो बना सकूँ, क्योंकि यूट्यूब मतलब काफ़ी गैप हो जा रहा है इसी की वजह से। तो मुझे एक रूम चाहिए था पहले, तो पहले तो वो कारण था लेने का। दूसरा कारण था कि ऑफिस खोलना था, क्योंकि अगर किसी शादी वादी का बुकिंग करना होता था तो पार्टी सोचता है कि बैठ के कहीं बात करें, हम भी सोचते हैं कि बैठ के बात हो जाए, तो जगह नहीं था, घर पे बुलाना पड़ता था, तो अच्छा नहीं लगता था घर पे बुलाना सबको। और इसलिए मुझे चाहिए था ये रूम एक ऑफिस खोलने के लिए। तो यहाँ पे ऑफिस भी खुल जाएगा, और कोई भी आएगा तो यहाँ पे बैठ के आराम से बात हो सकता है। मुझे एक और आइडिया आया कि यहाँ पे बर्थडे वर्थडे का कुछ अच्छा सा सेलिब्रेशन, मतलब सेलिब्रेट नहीं हो पाता है, डेकोरेशन नहीं हो पाता है अच्छा, तो मुझे आइडिया आया कि मैं मतलब ये काम कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं वो काम कर भी सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और मुझे थोड़ा बहुत इनकम भी हो जाएगा रेगुलरली, और लोगों को अच्छा सुविधा भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने बर्थडे वाला वो सोचा कि हाँ मैं बर्थडे का बैकग्राउंड बनाने का काम करूँगा। जैसे मान लीजिए कि आप मेरा 3000 का पैकेज बुक करते हैं, आपको कैटलॉग दिखा के उसमें बुक होगा कि हाँ किस टाइप का आपको डेकोरेशन दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका दीवार हो गया, तो हम एक जगह फिक्स करेंगे वहाँ पर आपका, या आपका रूम हो गया, चाहे जो भी हो गया, जहाँ पर भी आप डेकोरेट करने के लिए बोलेंगे उस हिसाब से हमारा पैकेज रहेगा। ज़्यादा महंगा नहीं है, मेरे ख्याल से मैं 2500 से 3000 के बीच में ही रखूँगा, क्योंकि आप डेकोरेशन का सामान ही खरीद लेते हैं, 1000 का 1200 1500 का सामान खरीदते हैं डेकोरेट करने के लिए, फिर भी ऐसे डेकोरेट नहीं हो पाता है।
और अगर आपको 2500 में अच्छा से डेकोरेट, हाई फाई डेकोरेशन मिल जाए सब, लाइटिंग वगैरह अच्छा मिल जाए तो क्या दिखा। तो इसलिए मैंने ये पैकेज बनाया है। और मैं जैसे ये मान लीजिए और दीवार हो गया, तो मैं इस पर आपको बैकग्राउंड बना के दूंगा और मतलब टेबल से लेकर हर एक चीज़ को डेकोरेट करके दूंगा। आपको सिर्फ तैयार होकर क्या करना है कि केक कट करने आना है, बर्थडे सेलिब्रेट करने आना है। तो बस ये आप पैकेज बुक कर सकते हैं और साथ में आप फोटोशूट का भी पैकेज बुक कर सकते हैं। यहाँ स्टूडियो है तो भाई कैमरा तो है ही, अगर आपको बर्थडे में फोटोशूट भी करवाना है तो डेकोरेशन तो हम करेंगे ही और अलग से थोड़ा बहुत चार्ज लेंगे, फोटोशूट भी कर देंगे, तो आपका हर तरह से सुविधा हो जाएगा। मैक्सिमम 10 दिन के अंदर ये पूरा तरह से मेरा जो ऑफिस प्लस स्टूडियो है बन के तैयार हो जाएगा और इसमें शूट वगैरह जो भी है, जो भी काम करना है सब स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद नहीं उसके पहले भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इंडोर फोटो शूट के लिए आ सकते हैं। अगर आप इधर लोकल में कहीं हैं तो अच्छा सा शूट हो जाएगा आपका। बस ये सब काम यहाँ पे किया जाएगा। तो और भी अपडेट आपको इस ऑफिस के बारे में, स्टूडियो के बारे में मिलते रहेगा जैसे जैसे यहाँ पे काम होगा। तो चैनल पे बने रहिए और मैं क्या डेकोरेट करता हूँ, किस टाइप का स्टिकर लगाता हूँ, आप देखते रहिए। धन्यवाद।